ठीक तो है ना? महेर जी, मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी। मुझे जानती है आपको, घबराइए मत। आप आराम से बोल सकती हैं। मेरा नाम आरती है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, क्योंकि उन्होंने अगर देख लिया तो मैं आपसे शायद पूरी बात ना कह पाऊँ। ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, वो अच्छे होने का दिखावा करते हैं आपके सामने भी, अंदर से वो कितने बुरे हैं वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आरती, वो मुझे मार डालेंगे महेश जी, मार डालेंगे वो मुझे। अब उन पर भरोसा मत करना। तो कितना घबरा क्यों रही हो? कर मत करो, मैं हूँ ना। हंसते जाएंगे, बड़े मजे आएंगे। मैं आज ही इनके एडमिशन के लिए शिमला के सबसे अच्छे हॉस्टल में बात करता हूँ। ओके, हैप्पी ये। आरती, घबराओ मत। कौन मानना चाहता है तुम्हें? बोलो उनका नाम। आरती, क्या बात है, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? कौन मानना चाहता है तुम्हें? मंटू, मोगली, राजू, लड्डू सब जाएंगे शिमला के हॉस्टल में। महर जी, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों आप? सरब जी, अभी अभी मुझे एक औरत मिली, बहुत परेशान लग रही थी, बार बार कह रही थी कि वो बुरे इंसान है, मार डालेंगी मुझे, और फिर पता नहीं अचानक से गायब हो गई बिना बताए कि वो किसकी बात कर रही थी। मम्मा, पापा, मैं बहुत थक गया, अपने न्यूनेस चलो ना। चलिए जी। बोलो, कहाँ हो तुम विक्की? वही जहाँ पर तुम मुझे होने से रोकना चाहती थी। मतलब? मतलब ये कि सरब और मेहर का पता चल गया, उन्हीं के घर में हूँ मैं। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है अदिति कि मेरा करण किस हाल में, कैसी जिंदगी जी रहा है वो? लेकिन अब नहीं, अब बहुत जल्द उसे मैं अपने साथ। विक्की, मेरी बात तो सुनो। मैंने, तुम मेरी बात सुनो अदिति, अगर अब तुमने कोई हद पार करने की कोशिश की ना तो समझ लेना। हद तो मैंने आज तक पार की नहीं है विक्की, लेकिन अब बहुत लंबी खिंचकी है ये लड़ाई, जिसका अंत आज होगा, क्योंकि आज आज फैसले की घड़ी है। फैसला? अदिति, क्या करने वाली हो तुम? जो भी करने वाली हो ना, तुम प्लीज बीच में मत आना। अदिति, मेरी बात, ये यूवी क्या कह रहा है? वो किसने निकाला हमारी मेहर को उसके घर से बाहर? क्यों दे पापा, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। दरअसल सचिकल वीर जी, पाबी, मम्मी जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि मेहर पाबी होने का पता चल गया है। तो कितने हो? वो कोई लालपुर वाली बस्ती के कोई टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं वो लोग, और मम्मी जी कह रहे थे कि बिट्टू वीर जी और राणा भी उन्हीं के साथ है। शुक्र है वाहेगुरु। गिन्नी, अमृता, चलो। तो बच्चों, हॉस्टल में जाके खूब पढ़ाई करना। जी, क्या हुआ, गुरुद्वारे से देख रहा हूँ आप परेशान लग रही हैं। उसी औरत के बारे में सोच रही हूँ सरब जी, पता नहीं किस परेशानी में थी बेचारी। उसने मेरा नाम भी लिया था, कह रही थी कि बहुत टाइम से मुझसे मिलना चाहती थी। पता नहीं सरब जी, बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं किस परेशानी में थी वो। महेश जी, गुरु घर में बहुत सारे दुखी आ रहे, आप चिंता मत कीजिए, बाबा जी उसकी मदद करें। मोटू, जल्दी चल, तुम्हारे अड्डे को कोई तोड़ रहा है।
रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? अदिति, ये क्या कर रही हो तुम? हट जाओ मैं यहाँ से, ये घर मैंने खरीद लिया है और मैं इसे तोड़ना चाहती हूँ। बस सरबजीत जी, बहुत हो गया। अब तक तो मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं। ये हमारा एक आशियाना ऑलरेडी उजाड़ चुकी, मैं इसे हमारा दूसरा आशियाना इसे उजाड़ते हुए नहीं देख सकती। मैंने कहा मैं, हटो यहाँ से। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझना। मैं आज ये घर तोड़ के रहूंगी। मैं बस अदिति, अब तक मैं चुप रहा लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब बात मेरी बीवी और बच्चों की। मेरे घर की तरफ अगर आग उठा के देखा तो फिर देख लेना। मम्मा पापा, दत्ती बुआ मानस क्यों तोड़ रही है? आज तक अपनी छोटी बहन समझ मैं तुम्हारी हर जिद मानता, तुम्हारी खुशी के मैंने, महक जी ने, हमारे बच्चों ने दर दर की ठोकरें खाई और हमारे इसी प्यार इसी अच्छाई को तुमने हमारी कमजोरी समझा। अब कान खुलकर सुन लो दीदी, सरबजीत सिंह गिल अपने परिवार पे और इस घर पे कोई आंच नहीं आने देगा। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो मैं रिश्तों की मान मर्यादा भूल जाऊंगी। आज अगर एक माँ को अपने बच्चों के सर की छत को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी कम है। चलाओ बुलडोजर, मैं भी देखती हूँ आज तुम हमारा घर कैसे तोड़ती हो। और याद रखना, तुम्हें तुम्हारी ये गिरी हुई हरकत बहुत महंगी पड़ेगी अदिति। जो आई जी, ओ हमने आपको ढूंढ लिया, अब हम एक साथ हैं। वो किसी दे प्यो दी की मजाल जो साटा कुछ बिगाड़ सके। कौन क्या बिगाड़ सकता है वो अभी पता चल जाएगा। वो हार्ट डॉक्टर नहीं, तू हाले तक कुलवंत कौर टिल्लो को नहीं जानती और ये तेरा बुलडोजर ना तेरे को इसी के नीचे लाके ना तेरा पापड़ बना देना। मैंने अदिति, स्टॉप दिस नॉनसेंस, ओके? यहां से ना चुपचाप चले जाओ, वरना ना हमें और भी तरीके आते हैं। इस घर को हाथ तो लगा के दिखा। अदिति प्लीज, सरबजीत तुम्हारे भाई हैं। अदिति, यहां पर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। विकी, मैंने तुमको मना किया था ना कि तुम बीच में मत पड़ना। करण को ना देने की जो जिद पकड़ रखी थी ना इन्होंने, आज देखना इस घर के साथ साथ कैसे मैं वो जिद तोड़ती हूँ इनकी। ये इनका घर है अदिति, मेरी जमीन है ये, मैंने आज ही खरीदी है और अपनी जमीन पे मैं कुछ बनाऊं या तोड़ूं मेरी मर्जी, ये घर टूट के रहेगा। चलाओ बुलडोजर, सामने से हटो। मैं है तुम तो क्या अदिति, आज अगर रब भी यहाँ आ जाए तो भी ये माँ यहाँ से नहीं हिलेगी। मैं भी देखती हूँ कि आज अकेली क्या करती हो तुम। मैं जी अकेली नहीं है, इनका सरदार इनके साथ है।
ये बुलडोजर। कि सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो, सांप सांप ही रहता है। अब कहना क्या चाहती? मैं कुछ कहना नहीं, मैं आज सबको सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारा सच, तुम्हारी साजिश और तुम्हारी करतूत, ये अदिति बेदी एक नंबर की जालसाज और धोखेबाज है। इसने अपनी मॉम की शादी के नकली सर्टिफिकेट बना के मेरे भोले भाले भाई को और उसके परिवार को घर से बेघर कर दिया। मुझे पहले दिन से हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैंने पहले दिन से ही अपने लॉयर्स को अपॉइंट किया और इस काम के लिए लगा दिया। और आज, आज मेरे एक हाथ में झूठ और एक हाथ में है सच। झूठ ये है कि इसने अपनी मॉम की शादी का नकली सर्टिफिकेट बनवाया, और ये है सच, हमारे मॉम डैड की शादी का असली सर्टिफिकेट। डॉक्टर अदिति बेदी, क्या आप ये डेट्स चेक करना चाहेंगी? अब मेरा भाई और उसका परिवार सर उठा के अपने घर वापस जाएंगे और तुम नजरें और सर झुकाकर जाओगी जेल। हमारे साथ फ्रॉड करने के केस में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बहन को हम सर आंखों पे रख रहे हैं वो एक दिन हमारी ही पीठ पर छुरा भौंकेगी। जब अपने ही ऐसे हो तो दुश्मनों की जरूरत क्या है? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस धोखेबाज औरत को। गुटी कुछ नहीं होगा तेनू। सर अब छोड़ दे इनू, ये भी इसका ड्रामा ही होगा। नहीं अलीनी, अदिति की तबीयत सच में खराब है, कोई बम लाओ। गुटी फिक्र नहीं करनी, तेरा तेरा भी तेरे नाल है। ओके, कुछ नहीं होगा मैं तेनू, कुछ नहीं होगा। मैं गाड़ी में पंचर करके आता हूँ।
Be brave. Aditi, buddy. Be brave. Okay. तेरा पराया क्या ना? तू फिकर ना कर. मैं तेरे को कुछ नहीं होने वाला. Okay. Please कोई pump लेकर आओ. घबराना नहीं. Okay. कुछ होएगा. कोई pump लेकर आओ please. सर अभी की pump कहीं नहीं मिला. जगह नहीं बिट्टू लाना. आसपास कोई medical shop होगी. वहाँ से pump लाइए ना please जल्दी. आओ जी. फिकर ना कर. Okay. फिकर ना कर. उसे के लिए काम करते हैं, अदिति को अंदर लेके चलते हैं, उसे पीठ के बल लेटाते हैं, चलिए प्लीज. अच्छा ओ अमृता, उठ जाके गर्म पानी ले आ, और हैर तो तुलसी दे पत्ते ते नीम दे पत्ते जल्दी ले आ. बस अदिति घबराने नहीं. ओके. इसे डीप ब्रेथ. ओके अदिति चुप. तो घबराना नहीं. ओके मैं जी जल्दी कीजिए प्लीज जी. लंबी सांस. ओके ठीक है डीप ब्रेथ. जी लाइए जल्दी. निकल अदिति बैठो. ऊपर चलिए मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ. ओ मेहर पुत्र वो छेती इसके सर पे कपड़ा डाल. जी इस बेटी के बने ये सरब और मेहर भी. जिस लड़की ने इन्हें घर से निकाल दिया उसी के लिए तड़प रहे हैं. एक वादा और करना पड़ेगा कि बाहर जाकर आप दिल खानदान के नाम का सहारा नहीं लोगे. ये लो जी बम. डॉक्टर बस आ रहे हैं. ठीक फील कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगी, सब ठीक हो जाए. तू इस पे सोता था? नो नानी, करण मैं मम्मा की टमी के ऊपर और परम पापा की टमी के ऊपर बड़े मजे से सोते थे हम. परम पुत्र, आपको बिना हीटर की ठंड नहीं लगती थी? बड़ी जोर की ठंड लगती थी, लेकिन परम करण मैं मम्मा और पापा एक दूसरे को टाइट हगी कर लेते थे तो संतोष तू सटाक गायब हो जाती है.